हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं देखिए किचन में बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब जो है गोभी का मौसम जाने वाला है, कुछ दिन की और है गोभी तो खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं गोभी ही बना रही हूँ, गोभी आलू, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब ये लास्ट मौसम है गोभी का, कुछ दिन और आएगी गोभी, फिर बाज़ार में मतलब जो नए मौसम की जो होती है गोभी, जो सर्दियों में चलती है गोभी, वो नहीं आएगी। आएगी तो सही, लेकिन वो वाली गोभी नहीं आएगी जो सर्दियों में जो आती है गोभी एकदम अच्छा सा अच्छी सी, वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी, और इसके बाद मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे। तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, और इसको मैं चलाकर ढककर थोड़ी देर पका लूँगी। और उसमें मैं पानी तो नहीं करूँगी, थोड़ी देर इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी सूखी, क्योंकि गोभी को मैंने तला नहीं है तेल में, उतलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी अभी, और इसमें थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का पानी करूँगी ताकि ये गल जाए। वैसे तो ये ऐसे ही गल जाती है, लेकिन इसमें हल्का सा पानी करना भी ज़रूरी है गलने के लिए। और इसको ढक दूँगी मैं, मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, और ढककर पक जाएगी। और यहाँ पर कर लेती हूँ मैं तैयार, अब जो है पराठे का आटा तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी को कट कर लिया था, जो सोया मेथी होती है। तो यहाँ देखिए मेथी भी है इसके नीचे आटे के, और इसमें आप चाहें तो सारे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें मैंने नमक और हल्के से मिर्च ही ऐड करे हैं। और इसके मुझे बनाने हैं पराठे, तो जो कि अब लास्ट मौसम चल रहा है ये मेथी का भी, सर्दियों वाली सब्ज़ी हैं वो सारी ही बहुत अच्छी होती हैं खाने में और टेस्टी लगती हैं। और होती तो गर्मियों की सब्जी भी हैं, लेकिन जो सर्दियों की सब्जियों में बात होती है वो बात ही अलग है। तो यहाँ पर ये कुछ दिन पहले का क्लिप है फ्रेंड्स, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये होली से कुछ दिन पहले का क्लिप है फ्रेंड्स, तो मैंने आज ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने आटा भी तैयार कर लिया है, और अब मैं बनाने जाऊँगी पराठे। तो यहाँ पर आटा ये तैयार हो चुका है, और इसे थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी आटे को। और यहाँ पर मैं जो है आलू भरकर पराठा बनाऊंगी। स्टफिंग मैंने तैयार पहले ही कर ली थी फ्रेंड्स, आपसे शेयर नहीं किया करा, क्योंकि आलू के पराठे की रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपसे इसलिए। तो अब मैंने पराठा बनाने शुरू कर दिए हैं। तो पहले एक पेड़ा लेकर मैंने बेल लिया है, और उसमें एक जो है टू स्पून मैंने जो स्टफिंग रखी है आलू की वो भर ली है। और अब मैं इसको हल्के हाथों से बेल लूँगी। और आज मैंने आपसे जो है मेथी आलू के पराठों की रेसिपी शेयर की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैंने कोई घर का अपना काम नहीं दिखाया है, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और आप फ्रेंड्स फुल वॉच नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर मैंने एक दो पराठा सेक लिया है, और सारे पराठों को मैं इसी तरह से सेक लूँगी धीरे धीरे, सारे एक एक करके।
और सेकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं मेरे परांठे। और दही के साथ खाइए आप इन परांठों को, या फिर टमाटर सॉस के साथ खाइए, या फिर चाय के साथ खाइए, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में ये। और तो कुछ अब तो मेथी कुछ दिन और ठीक आएगी, अब तो मतलब मेथी भी ख़राब सी आने लग जाएगी कुछ दिन में, और अभी भी वैसे चल रही है मेथी। और मेथी को तो सुखाया भी जा सकता है उसे स्टोर करने के लिए, ताकि हम गर्मियों में भी उसकी भुजी बनाकर खा सकें या फिर परांठे बनाकर खा सकें, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें से। और कस्तूरी मेथी भी इसी तरह से बनती है। तो यहाँ पर देखिए परांठे बनकर तैयार हो गए हैं, ये कैसे लग रहे हैं आपको प्लीज़ बताइएगा। और सब्जी है, चटनी है और परांठे हैं, मैंने तो चाय भी पी थी इसके साथ, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, जो भी आए सब्सक्राइब करना। बाय।